बीजेपी के सामने कोई विपक्ष में नहीं है, सभी पार्टी बीजेपी के सामने बोनी लग रही है। आज आपने देखा होगा कि हमारे सांसद जी आए हैं, जितने भी हमारे सरपंच महोदय थे उन्होंने जो शिकायत थी गांव की, जो प्रस्ताव था उनको देने का काम किया है, और शर्मा जी ने, हमारे सांसद जी ने उनका यहीं बैठ कर निपटारा किया है काफ़ी समस्याओं का। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं गुड़ियानी में, जहां की डीके यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, और यहां पे आज केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी पहुंचे थे, उनके साथ साथ जो यहां के इलाके के सांसद हैं अरविंद शर्मा जी, वो भी यहां पे पहुंचे थे। तो उसका जो विषय रहा वो क्या रहा, या बार बार जो दौरे अब लग रहे हैं तो वो किस प्रकार से लग रहे हैं, क्या उनका कारण है, वो सभी जो चीज़ें हैं वो इनसे जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टेट में। जरिए धन्यवाद सर जी। सर, आप ये बताएं कि बार बार जो दौरे लग रहे हैं, कभी कोई बड़ा नेता आपके पास पहुँच रहा है, आज भी जो केंद्रीय मंत्री है वो पहुँचे, तो कारण क्या है आपके? देखिए, आज हमारे केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी और हमारे लोकप्रिय सांसद जी अरविंद शर्मा आज हमारे कार्यालय पर आए, और जितने भी हमारे इलाके की सरदारी सरपंच साहब थे, ब्लॉक समिति के मेंबर थे, चेयरमैन थे और पार्षद साहिबान थे, वो आए और उन्होंने, हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि जितनी भी योजनाएं हैं देश और प्रदेश में दी है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने देश और प्रदेश को जितनी योजना दी है वो जनता तक पहुंचाने का हम कार्य कर रहे हैं जी। तो क्या इसको चुनावी आगाज मान लिया जाए? बिल्कुल अमित जी, पहले भी मैं बता चुका हूं और आज भी स्पष्ट शब्द में कहता हूं कि बीजेपी के सामने कोई विपक्ष में नहीं है, सभी पार्टी बीजेपी के सामने बोनी लग रही है, और निरंतर डेली हमारे कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे देश के जितने भी बड़े नेता हैं वो भी 2024 के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। आप भी आजकल चर्चाओं में रह रहे हैं, बार बार जो बड़े नेता हैं वो यहीं पे ही आते हैं, इसका क्या कारण? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और ऊपर से जो प्रोग्राम हमारे नेता जो मेरे को देते हैं उनकी मैं निष्ठापूर्वक उनका निभाता हूँ, पालन करता हूँ। बिल्कुल, लेकिन अगर कोसली विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ पे बहुत से जो मुद्दे हैं वो बहुत हैं लेकिन काम हो नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप उन चीज़ों को भी संज्ञान में लाते हैं जब कोई बड़ा मंत्री या सांसद साहब यहाँ पे पहुँचते हैं, तो क्या उनके संज्ञान में लाते हैं आप उन चीज़ों? आज आपने देखा होगा कि हमारे सांसद जी आए हैं, जितने भी हमारे सरपंच महोदय थे उन्होंने जो शिकायत थी गांव की, जो प्रस्ताव था उनको देने का काम किया है, और शर्मा जी ने, हमारे सांसद जी ने उनका यहीं बैठ कर निपटारा किया है काफ़ी समस्याओं का जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे और संजीव जी से भी हमने बात की, उनके साथ साथ अरविंद शर्मा जी से भी हमने बात की है, तो उन्होंने जो सवालों का जवाब दिया है वो किस प्रकार से दिया है वो भी आपके सामने होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।